मेरी बात हुई वो भी दस कर गए हैं और सारे कार्यकर्ता सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहाँ टेलीफोन करके सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर के रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हम स्वयं सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। भगवान ऐसे सब लोगों को बल प्रदान करे। और सब नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेसवे बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से बिपटरी हो गई है, जहां एक दो नहीं बल्कि 21 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर आ रही है, साथ ही साथ 80 यात्री जो हैं वो घायल हैं। वहीं आपको बताते चले कि बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे हैं रेल हादसे को लेकर। उन्होंने जहां तक बताया है कि वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत की है, साथ ही साथ राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। क्या कुछ अश्विनी चौबे बोल रहे हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। मैं अभी नौगछिया भागलपुर से बोल रहा हूँ। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बोगी उलट गई है। मुझे जो वहां से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियाँ उसमें एसी के 2 हैं इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में, साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई और समूचा पहुंचे हैं चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारे डीएम डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम हैं उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी दस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहाँ टेलीफोन करके सब लोग वहाँ इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहाँ भेज दिया गया है, हॉस्पिटल वहाँ टेम्प्रोरी वहाँ के ब्रह्मपुर हॉस्पिटल और रघुनाथपुर सब जगह पर वहाँ डिप्यूट करके है, रेस्क्यू चल रहा है। और मैं स्वयं आया था, कल भागलपुर में एक कार्यक्रम था MSME का, भारत सरकार का, उस उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना था, लेकिन मैं तुरंत नौगछिया में जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ से सीधे वापस रघुनाथपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ बक्सर की ओर, और देर रात तक जब भी हो मैं अभी यहाँ से जा करके वहाँ पहुँचूंगा। और मैं लगातार खबर ले रहा हूँ, मुझे ये खबर हमारे एडिशनल PS राहुल ने लगभग 10 बजे के करीब ये मुझे खबर आई, 10:15 में, और 10 बजे के लगभग ये घटना घटी है ऐसा मुझे जानकारी मिली वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी, रेल के GM के द्वारा भी, और उसमें पूरी तरह से सारे प्रशासन और सभी लोगों को लोग अलर्ट हैं, सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम स्वयं सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। भगवान ऐसे सब लोगों को बल प्रदान करे और सब लोगों को जल्दी से जल्दी उन्हें मतलब रेस्क्यू करके और उन्हें अस्पताल से सकुशल इलाज हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं।